मेरे ख्याल से आपका जो वैलेंटाइन है वो माँ से बेहतर कोई नहीं हो सकता। आम जिंदगी में अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों को इन चीज़ों के एक्सप्रेशंस के लिए एक दिन चाहिए है। और जैसा कि मैं सिंगल बंदा हूँ तो मेरे तो दिलों पर तीर है वैलेंटाइंस डे, तो नहीं मनाना चाहिए हमें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान हसन इजाज आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं विजडम टीवी पाकिस्तान। नाज़रीन इकराम, आज हम लोगों से जानेंगे वैलेंटाइन डे के हवाले से कि वो पाकिस्तान में होना चाहिए या कि नहीं होना चाहिए, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लोगों की राय लेते हैं। अच्छा, आप क्या समझती हैं आगे जो है वैलेंटाइन डे आने वाला है तो वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मेरा जो पर्सनल है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हम इस चीज़ को पॉजिटिवली लेके चले जाएँ तो हमें आजकल आम जिंदगी में अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों को इन चीज़ों के एक्सप्रेशंस के लिए एक दिन चाहिए है। लेकिन अब जब अगर हम लोग इस्लामिक वे से जाएं तो जो हमारे यहाँ पे बेसिकली चीज़ को लेके बेहूदगी चल गई है ना, वो नहीं होनी चाहिए बेसिकली। आगे जो है आपको पता है कि वैलेंटाइन डे आ रहा है तो ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं ये समझता हूँ कि जिस माशरे में हम रहते हैं यहाँ पर, उस दिन की वजह से बेहयाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है लोग, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, गंदे काम जो उनसे हैं वो बहुत रूज पर हो जाते हैं। और जैसा कि मैं सिंगल बंदा हूँ तो मेरे तो दिलों पर तीर है वैलेंटाइंस डे, तो नहीं मनाना चाहिए हमें। वैसे तो हर दिन ही मोहब्बत का होता है, लेकिन रिलेशनशिप को गलत राह पर जो उनसे ना वो हम लेकर जा चुके हैं। वैलेंटाइन डे आ रहा है आगे, हाँ। तो क्या समझते हैं होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं देखो, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एज अ मुस्लिम, अगर हम इस लेंस से देखें, मुस्लिम के लेंस से, तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में अब ये बहुत मनाया जा रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी लाइफ में आपको एक सब्जेक्ट होना चाहिए इस्लामिक, जिसमें आपकी मतलब आपको लाइफस्टाइल आपका इस्लामिक वे में आपको गाइडलाइन दी जाए, जो कि अब वो नहीं है यूनिवर्सिटीज़ में। ये भी मुझे बड़ी शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ रहा है, क्योंकि मैं खुद यूनिवर्सिटी अभी क्लियर कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसे अपने दीनी लिहाज से कोई नहीं बताया गया, सिर्फ एक इस्लामियत का सब्जेक्ट पढ़ाया गया और उसमें भी मतलब उसको भी एज अ कोर नहीं दिया गया। वैलेंटाइन डे जो है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल माँ बाप के साथ होना चाहिए, और मेरे ख्याल से आपका जो वैलेंटाइन है वो माँ से बेहतर कोई नहीं हो सकता।